डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास ऑक्सफोर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 6F को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन होंगी, उसका यूज करके इनको सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, ये इस स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है जो आइडेंटिटी है, तो सिंपल हमें इसका यूज करना है। अब आइडेंटिटी क्या है पहले वो समझते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन होंगे और हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब कैसे करना है, स्टेटमेंट होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है कि फर्स्ट जो है ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वर्ड वो सेम आएगा। ठीक है, अगर हमें ये आइडेंटिटी लगानी है तो फर्स्ट वर्ड हमारा सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स और एक्स, पी एंड पी, देखो सेम आ रहा है ना, एक्स और एक्स एक्स एक्स, इस तरह से। एक तो ये हमने देख लिया। ए और बी का मतलब क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड लेटर है, बी का मतलब है सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड लेटर है। अब करना क्या होगा, जो फर्स्ट आएगा उसका तो हमें कर देना है स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ए और बी, ए और बी मींस ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड, सेकंड ब्रैकेट का भी सेकंड, इन दोनों को प्लस कर देना है, और जो हमारा फर्स्ट लेटर था वो मल्टीप्लाई में, फिर इन्हीं दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब इसको अप्लाई करते हैं इनके ऊपर। फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट से। ए वाले में हमें गिवन है एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, तो हम यहां लिखेंगे एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आइडेंटिटी को हमने ऊपर ऑलरेडी लिख लिया है। तो करना क्या है, फर्स्ट वर्ड देखना है क्या है दोनों में एक्स, तो एक्स का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट के अंदर हमें लेना है फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड, सेकंड ब्रैकेट का भी सेकंड। तो ये है सी प्लस डी और साथ में एक्स प्लस सी इंटू डी। तो फर्स्ट का आंसर ये आपका बन गया है। नेक्स्ट है बी पार्ट, सेम वे में आपको करना है पी प्लस ए इंटू पी प्लस बी। अब इसको करने के लिए फर्स्ट लेटर इस बार है पी, तो हम यहां लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लेंगे ए और बी, तो ए प्लस बी इंटू, यहां पे हमें करना था एक्स, एक्स मींस फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर है पी, तो पी प्लस सेकंड दोनों के लेने हैं ए और बी। तो ये बन गया हमारा आंसर। ऐसे ही आप देखें सी और डी पार्ट सेम है। फर्स्ट सी पार्ट को करते हैं पहले, सी वाले में है एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो यहां लेते हैं हम एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पे हम लेंगे ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करेंगे टू प्लस थ्री, ब्रैकेट के बाहर आएगा एक्स प्लस यहां पर जो है दोनों की मल्टीप्लाई ए बी, ए और बी कौन से हैं ये दोनों, थ्री और टू। अब ये सॉल्व होता है आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर है टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस टू थ्री जा सिक्स। तो ये हमारा आंसर बन गया है। नेक्स्ट करते हैं एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, तो सेम एक्स स्क्वायर फर्स्ट सेम है, तो इसका स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा के सेकेंड, दोनों के सेकेंड लेने हैं फाइव प्लस थ्री। ठीक है, अब ये लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सॉरी साथ में x भी लेना है और प्लस में 5 और 3 है, तो 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 थ्री जा 15 एक्स प्लस, सॉरी प्लस है यहाँ पे 5 और 3, यहाँ बन जाएगा 8x और यहाँ बन जाएगा 15। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं x प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी हमारे पास दोनों प्लस वाली थी, तो आपने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो माइनस का साइन होगा उसको आपने इसके साथ रखना है, इसको क्या बोलना है माइनस सेवन, पूरा जो सेकंड वर्ड होगा वो माइनस का सेवन है, बाकी सारा सेम रखना है। फर्स्ट सेम है तो एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट फर्स्ट और सेकेंड दोनों का प्लस करना है, तो कहने का मतलब सेवन माइनस फाइव। ठीक है, अब माइनस का 5 क्यों आया, वैसे तो प्लस आना चाहिए था क्योंकि ये माइनस का है सेकेंड वर्ड, इसलिए हमने 7 माइनस 5 लिखा है और साथ में आएगा इसके x, यहाँ पे प्लस, अब ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक वर्ड माइनस का हो चुका है, तो 7 मल्टीप्लाई माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 में से 5 माइनस करेंगे प्लस का 2x, और
7 5 35। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, माइनस का क्यों है, क्योंकि 7 की 5 से मल्टीप्लाई 7 5 35, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होता है, इसलिए। नेक्स्ट एफ पार्ट में है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 7, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा हमारा सेम वे में एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, माइनस 3 प्लस 7 और साथ में इसके रहेगा एक्स। अब आप क्या करेंगे, प्लस ब्रैकेट माइनस 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 7 माइनस 3 4, तो प्लस का 4x और 7 3 21, तो यह हो जाएगा माइनस का 21। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x माइनस 8 x माइनस 2। अब दोनों ही माइनस वाले हैं, तो आपने सेम करना है, कोई चेंज नहीं करना है। एक्स स्क्वायर फिर यहाँ प्लस ब्रैकेट माइनस 8 माइनस 2। ठीक है, साइन उसके साथ ही रखना है, इसके साथ हमें लिख देना है x। अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस ब्रैकेट, अब दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है, माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। बाहर प्लस है तो माइनस का ही आंसर आएगा, माइनस 10x। यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, जब माइनस वालों की मल्टीप्लाई की जाती है तो वो चेंज होके प्लस बन जाता है, तो यह आ जाएगा प्लस 16। ठीक है, फर्क है यहाँ पे, इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, इनको नॉर्मल हमें सॉल्व करना है, तो माइनस 8 माइनस 2 मिलके माइनस के 10 हो गए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम वे में आपने एच और आई पार्ट कर देना है। ये है आपका एच पार्ट, पी प्लस 3 पी माइनस 6, तो इसको हमने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 और साथ में पी और दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ये सेम आ गया। अब इस केस में माइनस का नंबर जो है वो ज़्यादा है, माइनस के 6 हैं प्लस का 3 है ओनली, तो आंसर बचेगा माइनस 3p। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी हमने, 6 3 जा माइनस 18। सेम आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, आई में एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर, अब दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3। जब दोनों माइनस के हों तो इनको आपने इकट्ठा कर देना है, मीन्स क्या है, माइनस 3 मिलके हो जाएंगे माइनस 6 एक्स, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम इनको सॉल्व करने के लिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज जो हमें दे रखा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के अंदर होगी, बी का मतलब है सेकेंड टर्म जो ब्रैकेट के अंदर होगी, तो हमें करना क्या है, फर्स्ट का भी स्क्वायर कर देना है, सेकेंड का भी स्क्वायर कर देना है और टू से दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। फर्स्ट हम लेते हैं ए पार्ट एक्स प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, फर्स्ट है एक्स सेकेंड है सी, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो प्लस सेकेंड का भी स्क्वायर कर सकते हो आप यहां पे, लेकिन पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स और सी, और प्लस में लिख देंगे सी स्क्वायर। अब इसको फुली सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा हम लिख सकते हैं 2xc प्लस सी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सेम वे में नेक्स्ट करते हैं पी प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे ही सी पार्ट में आप कैसे लिखेंगे, सी वाले में है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स। आगे पीछे लिख सकते हैं आप, एक्स मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, e पार्ट है, e वाले में आप देखें x प्लस 3y स्क्वायर, एक्स प्लस 3y स्क्वायर, एक्स प्लस 3y स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई दोनों को कर देना है,
एक्स मल्टीप्लाई थ्री वाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, तो थ्री वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री का स्क्वायर होता है नाइन वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से सेकेंड नेक्स्ट है एफ पार्ट, तो एफ में आप देखें थ्री एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हम सेम वे में फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री एक्स मल्टीप्लाई टू वाई प्लस टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब इसको सॉल्व कर देते हैं, थ्री एक्स का स्क्वायर हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई टू थ्री जा सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स वाई और प्लस में टू का स्क्वायर होता है फोर, तो फोर वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 4xy प्लस 1 स्क्वायर, तो इसके लिए आप करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेटमेंट है 4xy, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म है 4xy, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1 स्क्वायर क्योंकि सेकेंड टर्म थी 1। अब इसको कर देंगे हम 4 का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर y स्क्वायर, स्क्वायर सबका करना है अलग अलग से, फिर प्लस 2 4 जा 8xy प्लस वन, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एच पार्ट, इसमें लिखा गया है थ्री एक्स बाई फोर प्लस वन होल स्क्वायर, तो सिंपल है फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे थ्री एक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री एक्स बाई फोर मल्टीप्लाई वन प्लस वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर बाई फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, टू वन जा टू 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 जा फोर, थ्री एक्स बाई टू आ जाएगा प्लस थ्री एक्स बाई टू प्लस वन, तो ये इसका बन गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं ए बाय बी प्लस वन स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए डिवाइड बाय बी और इसका स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई वन और प्लस में वन का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस टू ए डिवाइड बाय बी प्लस वन, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट थ्री एक्स वाई है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई थ्री एक्स वाई मल्टीप्लाई टू वाई प्लस टू वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, थ्री स्क्वायर होता है नाइन एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स सिंगल है वाई और वाई मिलके वाई स्क्वायर हो जाएंगे प्लस टू स्क्वायर फोर और वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है के पार्ट, तो इसकी स्टेटमेंट हमने लिख ली है, अब थोड़ा ध्यान से करना है इसको, पहले तो करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, ये तो स्टेटमेंट है फर्स्ट टर्म है, अब इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड है 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 और y का स्क्वायर प्लस यहां पे होगा 2 टू जा 4 3 जा 12, ठीक है, x स्क्वायर है और एक x यहां पे है तो x क्यूब हो जाएगा, y है यहां पे y स्क्वायर है तो y क्यूब हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर होता है 9 x का स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर का स्क्वायर होता है y रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, ये इसका आंसर है। लास्ट है x बाई टू प्लस 1, तो यहां पे फर्स्ट टर्म है x बाय टू तो इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई x बाय टू मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे x स्क्वायर बाय 2 टू जा 4 और यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 तो x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द प्रोडक्ट, सेम हमें सॉल्व करना है इनको लेकिन आइडेंटिटी चेंज कर दी गई है a माइनस बी स्क्वायर,
बाकी सारा सेम है। यहाँ पे 2ab के आगे हमें माइनस ले लेना है। बाकी जैसे हमने सेकंड सम को सॉल्व किया सेम वे में इसको सॉल्व करना है। जैसे a पार्ट आपको करके दिखाते हैं, x माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको करना है माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है यहां पर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xb प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर बन गया है। ऐसे ही आपको करने हैं b और c, p माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। ऐसे ही c पार्ट जो है उसमें फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया हमने, दो से दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 5y का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 5 जा 30, माइनस 30 एक्स वाई प्लस 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है 3x बाय 2 प्लस सॉरी माइनस 4y बाय 3 स्क्वायर। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट 3x बाय 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x बाय 2 मल्टीप्लाई 4y बाय 3 और प्लस में लिखेंगे 4y बाय 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगी स्टेटमेंट। जितने भी आप, एक चीज और नोट रखना, जितने भी ब्रैकेट के अंदर ये नंबर्स लिखे होंगे सबका स्क्वायर अलग अलग से करना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 4x और y बच जाएगा, माइनस 4xy प्लस 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2p माइनस 3y स्क्वायर, तो इसमें आप लिखेंगे 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 पी वाई, फिर प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स, ठीक है, दो से दोनों को गुना कर दिया, और प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो सेम रहता है, माइनस यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा, और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है पावर 4, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है स्क्वायर इनके साथ, प्लस इनका सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4। नेक्स्ट एच पार्ट में हमें दे रखा है 47 स्क्वायर, 47 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 3 स्क्वायर। अब ये सेम स्टेटमेंट बन चुकी है, तो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम फर्स्ट का स्क्वायर 50 स्क्वायर, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 3, फिर क्या करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 50 स्क्वायर होएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00, माइनस 50 टू जा 100 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 300, प्लस 3 3 जा 9। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको और इसको प्लस कर लें, इसमें इसको प्लस नहीं करना है क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने, तो ये हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कीजिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो 2500 में से 300 को माइनस करेंगे 2200 आ जाएगा, प्लस 9 है तो ये बन जाएगा 2209, ठीक है। नेक्स्ट है 59 स्क्वायर, तो इसको आप कैसे करेंगे 59 स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको करवाया है सेम वे में, 59 स्क्वायर को हम लिखेंगे 60 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो 60 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप, प्लस 1 स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 डबल 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 6 टू जो 12 120
प्लस वन। अब इसमें से इसको करेंगे माइनस, माइनस करने पे बन जाएगा 3480, प्लस वन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3481। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी है ये दोनों तरफ से यूज होती है। अगर हमें दिया हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी तो हमें कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमें गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमें चेंज कर देना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हमें गिवन है तो हमें इसको राइट हैंड साइड में चेंज करना है। अब इस आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं पहले क्या है। मतलब देखो, फर्स्ट और सेकेंड ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं वो सेम है, सिर्फ साइन चेंज है प्लस और माइनस। अगर एक बार दो नंबर्स प्लस में है एक बार माइनस में है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। तो यही लॉजिक आपको यहां पे इस्तेमाल कर देना है, x प्लस पी, फिर लिखा हुआ है x माइनस पी। देखो सेम है ना दोनों, फर्स्ट कंडीशन यही हमें चेक करनी है, बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट का स्क्वायर कर दो माइनस में सेकेंड का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगर आप देखें बी पार्ट इसका, तो बी पार्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा ए प्लस थ्री और साथ में क्या लिखा हुआ है ए माइनस थ्री। तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये आंसर आ गया, सिंपल है ना। फिर नेक्स्ट आप देखें सी पार्ट, एम माइनस सिक्स एम प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर होता है 36। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट आप देखें 3x माइनस 4 3x प्लस 4, तो इसको आप लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आप देखें e पार्ट, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो, स्टेटमेंट आपने लिखनी है ये, फिर आपने ये सॉल्व करना है जो मैं कर रहा हूं। तो फर्स्ट है 4pq, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कहते हैं यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो प्लस कहाँ चला गया, तो ये आइडेंटिटी है। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हमने लिख दिया, तो फर्स्ट जो स्क्वायर होगा वो सबका करना है अपने, 4 का स्क्वायर 4 4 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये ई वाले पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है एफ पार्ट, तो एफ में अगर आप देखें 5xy माइनस 7x सॉरी प्लस में भी सेम है, तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 5xy स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7 जा 49। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखें जी पार्ट, जी वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स का स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना। बहुत से बच्चे यहाँ पे सीधा ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो गलत हो जाता है। स्टेटमेंट में फर्स्ट वर्ड देखना है अपने क्या है, वो है एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ऐसे ही सेकंड स्टेटमेंट है वाई स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देना है। अब पावर के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एच पार्ट जो है वो थोड़ा अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए आप, ये लिखा हुआ है 390 मल्टीप्लाई 410। अब आप देखें अगर हम 390 को चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 400 माइनस 10 और 410 को लिख सकते हैं 400 प्लस 10। ठीक है, लिख सकते हैं ना, और दोनों मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लगाया हमने, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार दोनों प्लस में है एक बार दोनों माइनस में, तो इनका फॉर्मूला आपको बताइए क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर सॉरी कर दोगे 16 और 20 है तो स्क्वायर में हो जाएंगी 40 माइनस 10 है तो 100 हो जाएगा, तो इसमें से 100 को माइनस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 159900। ठीक है,
आई पार्ट में आप देखें x प्लस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो फर्स्ट का स्क्वायर कर देंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 10595, तो सेम वे में करना है जैसे हमने एच पार्ट किया था। 105 को लिख देंगे 100 प्लस 5 और 95 को लिख देंगे 100 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000 माइनस 25 कर दो तो ये आ जाएगा 9975, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है वो है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था सेम वही आइडेंटिटी यहां पर है। तो कैसे यूज करेंगे इसका, तो पहले तो ये फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, यहां पे नहीं है तो पहले हम इन स्टेटमेंट को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। वो कैसे, अब यहां पे लिखा है 12 इंटू 18, तो 12 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 2, ठीक है, और 18 को लिख सकते हैं 10 प्लस 8। अब देखिए फर्स्ट वर्ड हमारा सेम है जो कि x का काम करेगा, a का काम करेगा 2 और b का काम करेगा 8, ठीक है। तो करना क्या है हमें, फर्स्ट का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिटी में कहा गया सेम वही काम आपको कर देना है। प्लस यहां पे है x इंटू ए प्लस बी, तो x का काम कौन कर रहा है 10, तो 10 इंटू ए का काम 2 प्लस 8, ठीक है, प्लस ए बी का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी वैसा ही काम आपको कर देना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 10 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 8 कितना होता है 10 प्लस 2 8 जा 16, अब ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा 216। सेम वे में नेक्स्ट है 104 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है, इनको हमने इस तरह से कर दिया, ये बी पार्ट है हमारा। तो सेम वे में क्या कर दोगे आप लोग, इसको कर दोगे फर्स्ट 100 स्क्वायर प्लस एक्स कितना है अब की बार 100 इंटू ए और बी का काम कर रहे हैं 4 और 3, तो 4 प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई में लिखना है 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 100 7 हो जाएगा 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस 4 3 जा 12, इसको सॉल्व कर देते हैं 10,000 प्लस 700 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 10,712। नेक्स्ट सी पार्ट में आप देखें 95 इंटू 102, तो 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ठीक है, तो माइनस 5 को इकट्ठा ट्रीट करना है आपने एक नंबर की तरह, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू फर्स्ट है माइनस 5, सेकेंड बी का काम कर रहा है प्लस का 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में इन दोनों को ब्रैकेट में आपने लिख देना है माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 100 मल्टीप्लाई माइनस का 5 है प्लस का 2 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस आता है मल्टीप्लाई है, तो मिस्टेक को जितना जल्दी आप अपने जीवन में पकड़ लेंगे उतना ही आपको सफल होना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी कमियों पे जरूर ध्यान दें, यही हमें आगे बढ़ाती हैं अगर हम इनको सही समय पर ठीक कर दें। तो माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व कर देते हैं, 10,000 यहाँ जाएगा माइनस 300 और माइनस 10, ठीक है, पहले आपको 10,000 में से 300 को माइनस कर देना है, फिर जो आंसर आए उसमें से 10 को, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 9690। नेक्स्ट जो लास्ट सम है हमारा वो है 198209, तो इसको हम लिख सकते हैं 198 को 200 माइनस 2 और इसको लिख सकते हैं हम 200 प्लस 9, ठीक है। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 200 का स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस 200 ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 9, ठीक है, ए प्लस बी का काम कर रहे हैं ये, और प्लस में माइनस 2 मल्टीप्लाई 9, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 0 है तो स्क्वायर में हो जाएंगी 40, प्लस 200 माइनस 2 और प्लस 9, ये हो जाएगा प्लस का 7, ब्रैकेट के अंदर रखना है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 2 18, तो 400000, यहाँ हो जाएगा प्लस 7 2 14, 00 माइनस 18, इसको सॉल्व कर देते हैं, इनको पहले प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 18 को माइनस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 41382, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज 6F ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। ऐसे ही हमारे चैनल पर अमेजिंग ट्रिक्स भी अवेलेबल है मैथ्स के लिए, ऑक्सफोर्ड मैथ्स की सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, कुछ एक्सरसाइज रहती हैं वो भी जल्दी ही कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।